ओम शांति। 10/5/2021 की साकार मुरली। मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजायोग नहीं। प्रश्न, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है। जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चे को? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते। वह तो नाम रूप हो गया। बाप पढ़ाते ही हैं रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवान उवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता यह समझते नहीं है। कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः। परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंचते ऊंच निराकार। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, न पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज है नाम रूप से न्यारी, कोई चीज थोड़े ही होती है। यह भी तुम अब समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। बहुत समय से जानते आए हो, ऐसे भी नहीं बहुत समय से आने वाले से नए तीखे नहीं जा सकते। यह भी खूबी है। 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। हैं तो सब गॉडली स्टूडेंट, निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवान उवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब वह भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है। यह वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते, कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। यह तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ। कर्मातीत अवस्था को पालो तब तक पुरुषार्थ करना है, कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, कोई और कोई स्कूल ऐसे होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझे परमधाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, यह प्रजायोग नहीं, यह है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय में यहाँ आते हो। अब बाप के सम्मुख बैठे हो, बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है, ब्रह्मा सो श्री कृष्ण। यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं, परमपिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण तो हो ना सके, ऐसे थोड़े ही कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा।
अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते, मैंने बुजुर्ग तन लिया है, यह फिक्स है, शिवावा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं। कहते भी हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया यह समझते नहीं हैं। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती हैं। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। कृष्ण के लिए यह कभी नहीं कहेंगे, सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था, यही समय था जो पास्ट हो गया, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है, अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं, यह बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं, यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, यह हमारे बच्चे हैं, यह भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, कोई का एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। अभी तुम इस समय सब बातों को समझ गए हो, यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती आदि देव आदि देवी, पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं, वह है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब हैं पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है, इस समय प्रजापिता हाजिर है। यह बैट शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसे कोई कर ना सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, यह है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, तुम अशरीरी आए थे फिर शरीर लेकर पाठ बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए हैं। बाप जो ट्रुथ है वह सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़े ही सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो, कांटा और फूल किसको कहते हैं यह भी अब तुम समझ रहे हो। यह है छी छी कांटों की दुनिया, हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नर्कवासी हुए हैं, फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे, हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं, घड़ी घड़ी यह याद करना है और नॉलेज समझानी है। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे, क्राइस्ट आया उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं, स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है, परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने, इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है, यह तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, अनाज नहीं मिलता है तो समझते हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे। अभी तुम बच्चों को यह खातिरी है कि यह सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है नर्क के बाद स्वर्ग आएगा, सतयुग के देवी देवता होकर गए हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, चित्र है, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं हैं, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम यह देवी देवता बन रहे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा।
बाबा कहते हैं, नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे? आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी होती जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में 84 का चक्र लगाकर आए हैं। अनेक बार यह पार्ट बजाया है, इस पार्ट में कोई भी छूट नहीं सकता। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों ना हम छूटें, परंतु यह तो हो ना सके। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे। ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर भारत में ही हैं, और कोई खंड में इतने नहीं हैं। ढेर की ढेर मत है, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते कोई क्या। इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हैं वो स्पिरिचुअल फादर है, हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं, सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं, नरसिंह नारायण बनाते हैं, फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो? यह दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे? क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन जाते हैं। सो भी यह कम्बाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अवल दीन का नाटक दिखाते हैं ना, तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं उसमें बहुत सुख है, नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुखधाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको बताता हूँ, तुमने 84 जन्म लिए हैं, यह चोला पतित है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं, वह है ही ट्रुथ। सतयुग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया, फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं। यह है ही झूठ खंड, गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया। कौन सा संसार? यह सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है। नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता है ना, नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बैठाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। दूसरा, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। I'm not afraid.